ये किसने और क्यों दाग दिया तोप से गोला? क्या ये लोग किसी तरह की युद्ध की तैयारी कर रहे हैं या फिर ये कोई युद्ध लड़ रहे हैं? ये किसी दूसरे देश की तस्वीर नहीं है, ये है अपने ही देश की तस्वीर, जहां तोप से गोले दागे जाने की एक अनोखी परंपरा है। सबसे पहले ये जानिए कि ये कहां होता है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में इस अनोखी परंपरा को निभाया जाता है और ये कोई एक दो बरस या एक दो दशक से नहीं, बल्कि ये हो रहा है करीब 300 साल से। अब आपका सवाल होगा कि ये कौन सी परंपरा है और क्यों तोप से गोले दागकर ऐसी अफरा तफरी मचाई जा रही है। दरअसल ये कोई अफरा तफरी नहीं मचाई जा रही, ये होता है रमजान के महीने में और 300 साल से यहाँ तोप चलाने की अनोखी परंपरा का पालन हो रहा है। यहाँ तोप चलाने के बाद होने वाले धमाके की आवाज सुनकर मुस्लिम समाज के लोग रोजा खोलते हैं और शहराई खाना बंद करते हैं। शहरी और इफ्तार की सूचना देने के लिए किले की पहाड़ी पर तोप चलाई जाती है। इसके लिए बकायदा जिला कलेक्टर से परमिशन ली जाती है। तोप चलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक महीने का लाइसेंस जारी किया जाता है। यहाँ आज भी मुस्लिम समाज के लोग किले की पहाड़ी से चलने वाली तोप की आवाज सुनकर ही रोजा खोलते हैं। इस तोप की गूंज करीब 30 गांव में सुनाई पड़ती है। कई सालों से एक ही परिवार किले पर तोप चलाता रहा है। वहीं ईद के बाद तोप की साफ सफाई करके इसे सरकारी गोदाम में जमा कर दिया जाता है। तोप चलाने से पहले मस्जिद से सिग्नल मिलता है। इसके लिए मस्जिद की मीनार पर लाल रंग की रोशनी भी की जाती है। इसके बाद ही तोप चलाई जाती है। ऐसा बताया जाता है कि देश में राजस्थान में भी इस तरह की एक परंपरा है जहां तोप चलाई जाती है। इसके बाद देश में मध्य प्रदेश का रायसेन ऐसा दूसरा शहर है जहां तोप चलाकर रमजान महीने में शहरी और इफ्तारी की सूचना दी जाती है। लेकिन यह परंपरा बेहद अनोखी और खास है, जिसका 300 सालों से निर्वहन बखूबी किया जा रहा है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।